तो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक, कच्चे आम का पन्ना। नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आम पन्ना बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, आम पन्ने के लिए मैं यहाँ कच्ची केरी ले रहा हूँ। इसे धो के इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, कुछ इस तरह। देखिए, ये लगभग 150 ग्राम के करीब कच्ची केरी है। देखिए, इस तरह से काटा है। और यहाँ पर मैंने 1 कप पुदीना लिया है। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से मुझे फ्रेश नहीं मिला, इसलिए मैंने सूखा हुआ लिया है। आप फ्रेश ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। ये काली मिर्ची लिए 1/2 चम्मच के करीब। ये जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच के करीब है। ये शक्कर है 100 ग्राम। और ये रॉक सॉल्ट स्वाद अनुसार डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकर लेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आप 2 गिलास के करीब डाल दें, 2 या 3 गिलास। अब हम इसमें केरी डालेंगे, हमारी कच्ची केरी। रॉक सॉल्ट डालेंगे। अब दोस्तों, फ्रेश पुदीना न मिलने के बावजूद भी मैं यहाँ पन्ना बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स को सुखा के भी रखता हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब हम सीटियाँ लेंगे 3। देखिए, ये रेडी है। अब हम इसमें हमारा सूखा पुदीना क्रश करके डालेंगे। देखिए, अगर फ्रेश पुदीना डालेंगे ना तो उसका इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसके अंदर काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। शक्कर भी हम इसमें डालेंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसे इसी कुकर में ग्राइंड करेंगे। देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गया। हमारा शानदार आम पन्ना रेडी है। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अगर आप पानी कम मिलाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा होगा, अगर और मिलाएंगे तो और पतला होगा। अब आप इसे छान के बोतल में इसे भर लें और जब भी आपकी इच्छा हो बर्फ डालें और आम पन्ने का आनंद लें। देखिए दोस्तों, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था आपको, ये देखिए, ये हमारी चटनी भी बनके तैयार है इसके साथ में। इसे फेंके नहीं, ये वेस्टेज नहीं है, ये बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, काला नमक मिलाएं और खाने के साथ इसका आनंद लें। बड़ा गजब स्वाद लगता है इसका। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आम पन्ने की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।